तो फाइनली यार यूट्यूब के लिए आया है अपना एक लाइटिंग और स्टैंड। तो अभी अपन इसकी करेंगे अनबॉक्सिंग, देखते हैं यार इसमें क्या है। तो आप देख सकते हो इसकी बाइक क्या हालत हो चुकी है। इसके अंदर से निकली है ये वाली लाइट और ये निकला है एक स्टैंड। तो जल्दी से इनको जॉइंट करते हैं और जॉइंट करके मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ओके। तो फाइनली यार अपने अपनी रिंग लाइट को असेंबल कर लिया है और अभी जो वीडियो देख रहे हो ये भाई रिंग लाइट के थ्रू देख रहे हो। तो अभी ये देखो, ये इसका बटन है और इसको मैं देखो ब्राइटनेस कम भी कर सकता हूँ। आपको मेरे फेस पे दिख रहा होगा इसका इफेक्ट। और दूसरी बात, मैं यार यहाँ से इसको भाई ज्यादा भी कर सकता हूँ और दूसरी बात मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ। और यहाँ पे इसमें तीन लाइट आती है, एक लाइट, दो लाइट और ये तीन लाइट। ये तीन लाइट है जिसमें से ये व्हाइट वाली सबसे अच्छी है। तो अभी मैं आपको ये दिखाता हूँ कि मैंने असेंबल करने के बाद में ये कैसे लगा। तो फाइनली ये है अपनी रिंग लाइट जो कि आप देख सकते हो। ये है नीचे वाला इसका है स्टैंड और उसके बाद में ये है मोबाइल होल्डर और ये है रिंग लाइट जो कि यहाँ पर अलग से आती है, जिसको यहाँ पे आपको जॉइंट करना होता है। और उसके बाद में ये है स्टैंड और स्टैंड को यार यहाँ से ये जो आपको स्क्रू दिख रहा है ना, यहाँ से खोल के इसको और भी बढ़ा सकते हैं। और इसकी जो मैक्सिमम हाइट है वो 7 फीट है, लेकिन यार मेरे को ये जो रिंग लाइट है वो 6 की पड़ी। लेकिन यार इतनी कुछ खास है नहीं, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो, ये देखो भाई यहाँ से वाइट दिख रहा है यार, कितनी लो क्वालिटी आप देख सकते हो भाई। और यहाँ पे एक दूसरी जगह से भी वाइट दिख रहा है, यहाँ से ये देखो भाई, यहाँ से भी वाइट दिख रहा है। तो आप देख सकते हो यार कितनी लो क्वालिटी है, लेकिन फिर भी एक नए यूट्यूबर के लिए सबसे अच्छी है। और यहाँ पे ये बटन है जहाँ से अपन लाइटिंग चेंज कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको दिखाई दिया। तो यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इसके जो 635 है वो मैं भाई आपसे वसूलना चाहता हूँ।